खबर रामगढ़ से है, जहां देर रात बरकाकाना के जोड़ा तालाब के पास से कार में आग लग गई। कार के इंजन से धुआं निकलते देख कार में सवार सभी लोग गाड़ी से बाहर निकल गए। जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग रामगढ़ के परसोतिया से दुर्गा पूजा मेला और पंडाल घूमने बरकाकाना आ रहे थे। उसी दौरान कार के इंजन से अचानक धुआं उठने लगा और इसके बाद कार में देखते ही देखते आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार चलकर खाक हो गई थी। शॉर्ट सर्किट के कारण कार के इंजन में आग लगी थी। भागलपुर में सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में गंगा नदी से हो रहा कटाव अभी तक जारी है। गांव के 45 घर गंगा नदी में समा गए हैं और अभी भी लगातार घर नदी में विलीन होते जा रहे हैं। दिन हो या रात, नदी से कटाव का सिलसिला लगातार जारी है। कटाव से दहशत में आए लोग रात में भी जागकर अपनी जान और जमीन बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन नदी के रौद्र रूप के आगे उनकी एक नहीं चल रही है। आरोप है कि जल संसाधन विभाग ने राहत और बचाव कार्य के नाम पर लाखों खर्च किए, लेकिन एक इंच भी जमीन नहीं बचाई जा सकी, और उसी का नतीजा है कि आज कभी खुशहाल रहा गांव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चाहे दिन हो या रात, कटाव का दहशत यहाँ 2400 घंटा बरकरार है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ दिन के उजाले में कटाव हो रहा है, तो रात के अंधेरे में भी लोग सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि कब उनका घर, कब उनकी जमीन गंगा में विलीन हो जाए। तो लोग रात में जाग रहे हैं, दिन में जाग कर अपनी आँखों के सामने भी इस दहशत को, इस कटाव को देख रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने राजभवन से बाढ़ राहत वैन को रवाना किया। राज्यपाल ने कहा, जिस तरह से राज्य में आपदा आई है, बाढ़ पीड़ितों के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। रेड क्रॉस की तरफ से भी राहत सामग्री को बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचाया जा रहा है। राज्यपाल ने लोगों से राहत के लिए आगे आने की अपील की। जिस तरह से बाढ़ की बीबीसी का लोग झेल रहे हैं, उससे लगातार बिहार सरकार राहत सामग्री दे रही है, और अब राजभवन के द्वारा रेडक्रॉस के माध्यम से राहत वैन को रवाना किया गया है। खुद राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने यहां से 17 वैन को रवाना किया है, जो कि विभिन्न बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाएगी और जो लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनके बीच राहत सामग्री को वितरण किया जाएगा। राज्यपाल ने खुद यहां से 17 वैन को रवाना किया है, जो कि रेडक्रॉस के माध्यम से दिया गया है, और ये वैन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगी, जहाँ की बाढ़ पीड़ित हैं उसकी सहायता के लिए राहत सामग्री को पहुँचाया जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। संजय झा ने पीएम मोदी का आभार जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर आभार उन्होंने जताया है। बिहार को 17,921 करोड़ रुपए देने पर आभार